जय माता की। दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में जानेंगे ओला देवी के बारे में, जो करती है हैजा जैसी गंभीर बीमारी से रक्षा। आज का हमारा विषय है हैजे की रक्षक ओला देवी के ऊपर, जिनको माता शीतला के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हैजा की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, और क्या है इनकी पूजा पद्धति और इतिहास। आज की इस वीडियो में ओला देवी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो इस जानकारी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। ओला देवी लोक देवी के रूप में प्रचलित है, इनको ओलाई चंडी भी कहते हैं। इनको देवी शीतला के साथ रहने वाली सहचरी के रूप में माना जाता है। ये देवी हैजा जैसी गंभीर बीमारियों से भक्तों की रक्षा करती है। ओलाई चंडी या ओला देवी एक धर्मनिरपेक्ष देवी है, जिनकी पूजा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तथा मारवाड़ राजस्थान के लोगों द्वारा पूजी जाती है। इस देवी को ओलाई चंडी, ओला बीबी तथा बीबी माँ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में भी इन्हीं देवी को जालपा देवी बोला जाता है। राजस्थान में उन्हें शीतला माँ के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों को हैजा, पीलिया, दस्त तथा पेट से संबंधित अन्य बीमारियों से बचाती है। उन्हें ओरी माता कहा जाता है। मारवाड़ी परंपरा में उनकी कोई निश्चित प्रतिमा नहीं है, लेकिन आमतौर पर उन्हें शीतला की तरह दर्शाया जाता है। ओला देवी बंगाल में लोक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंश है। लोक कथाओं के अनुसार ओला देवी मायासुर की पत्नी है। हैजा देवी के रूप में ओला देवी की सबसे ज्यादा आराधना की शुरुआत 19वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में इस बीमारी के फैलने के साथ हुई थी। जब किसी को बच्चे को हैजा जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इन देवी के नाम से प्रसाद चढ़ाने तथा पूजा प्रार्थना करने पर देवी उस रोगी की रक्षा करती है। बीमारियों और महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में इनकी पूजा की जाती है। ओलाई चंडी की पूजा मुख्य रूप से हिंदू क्षेत्रों में शनिवार और मंगलवार को की जाती है। इनकी पूजा भी लोक परंपरा अनुसार ही होती है। ओला देवी की पूजा भी सात बहनों के रूप में पूजा होती है। जिन मंदिरों में ओला देवी होती है, उनके साथ भी सात देवी भी साथ रहती है, उन्हें सात बहनी थान कहा जाता है, जिनके नाम झोला देवी, अजगर देवी, चंडी देवी, बहार देवी, जेतुने देवी और आसन देवी है, और ओलाई देवी मिलाकर सता देवी कहा जाता है। हारिस, डूम आदि भी उनकी पूजा में पुरोहिती करते हैं। ओलाई देवी की पूजा गांव के पेड़ों के नीचे परु कुटीरी में की जाती है। यह थान बनाकर पूजा होती है। शनिवार मंगलवार को देवी को शाकाहारी भोग लगाने की प्रथा है, लेकिन कुछ जगहों पर बकरे की बलि भी दी जाती है। नादिया की दो महिलाएं पशु बलि के साथ ओलाई चिंडी की पूजा करती है। पूजा सूखे प्रसाद में बंगाली व्यंजन जैसे संदेश, सुपारी, बतासा, अताप, चावल, पाटली आदि से की जाती है, लेकिन वार्षिक पूजा या विशेष पूजा के दौरान भोजन चढ़ाने की भी प्रथा है। वैसे तो ओलाई चंडी देवी के बंगाल में कई मंदिर और थान बने हुए हैं, पर मेरे अनुसार सबसे प्राचीन ओलाई देवी मंदिर पश्चिम बंगाल के कपस्तीकारी गांव में बना हुआ है, जिसका दर्शन आप वीडियो में कर पा रहे होंगे। यहां एक वेदी पर ओलाई चंडी के प्रतीक के रूप शिला स्थापित है, जिनको बंगाली पूजा पद्धति के अनुसार श्रृंगार आदि से सजाया जाता है। इस प्रकार ये ओलाई देवी को हैजा की रक्षक देवी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हैजा से रक्षा करने वाली ओलाई देवी से जुड़ी जानकारी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।